तदनंतर मुजाहिद रवरिगे साबिर अली माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन आदा फारूक पाशा रवरिगे मौलाना आफाक साहेब रवरिगे नेरवे चप्पाल तेलू वे विनती कमेटी की जानिब से जबकि सारे हिंदुस्तान में भी आज का दिन मनाया जा रहा है एजुकेशन डे के नाम से और ये 11 नवंबर जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाइश का दिन है आज के इस दिन को नेशनल एजुकेशन डे के नाम से जाना जाता है और सारे हिंदुस्तान में इसको मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि कई मुल्कों के लीडरों ने भी मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में अपने अपनी राय पेश की है और हम लोगों ने भी ये तय किया कि कोविड-19 के होने के बावजूद भी और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके होने के बावजूद भी हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस को और रूल्स को फॉलो करते हुए जितने लोगों को बुलाने का परमिशन था उतने ही लोगों को बुला करके मुख्तसर तौर से ये प्रोग्राम हमने आज किया है। मकसद सिर्फ इतना है कि एक तो मौलाना आजाद की याद को और अच्छे तरीके से लोगों को याद दिलाएं कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान के लोगों के लिए और हमारी कौम के लिए खासकर क्या क्या किया। आज एजुकेशन का जब भी मसला आता है तो सबसे पहले मौलाना आजाद को याद करते हैं जैसे कि उन्हीं की क़ियादत में उन्हीं की मिनिस्ट्री में जो हिंदुस्तान के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और बहुत ही कम उम्र में कांग्रेस पार्टी के सदर 1923 में मुनक़द हुए थे और उसके बाद फिर दूसरी बार 1940 में वो कांग्रेस पार्टी के सदर बने थे और हिंदुस्तान की आज़ादी को कामयाब करने में बहुत बड़ा और अहम रोल मौलाना आज़ाद ने किया है और ये हम सब लोग भूल नहीं सकते और आने वाली नस्लों को भी मौलाना आजाद का नाम याद रहे उनकी खिदमत याद रहे इसलिए हम ये हर साल ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। जहां जहां रिजर्वेशन में मुसलमान को या माइनॉरिटी का मतलब जैन भी है क्रिश्चियन बौद्ध भी है और हम लोग जहां हमारी मेजॉरिटी है वहां पे अगर एक मौलाना वहां पे काबिल आदमी मिल जाते हैं तो उनको उतारेंगे या कोई पार्टी का वर्कर वैसे वो भी पार्टी के वर्कर हैं मैं भी पार्टी अभी कैसा बोल सकते हैं 225 में कितने रिजर्वेशन कितने जनरल होंगे कितने रिजर्वेशन में माइनॉरिटी के लिए आएंगे वो किसी को मालूम नहीं। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में क्या उलमा को शामिल कर रहे हैं ज्यादा जैसे आज सियासत में अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो बेशक शामिल करें शर्त है कि उनसे किसी किस्म की कम्युनलिज्म की पैदाइश ना हो बेशक एक सेक्युलर मौलाना अगर चाहते हैं कि मैं आऊंगा कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे और डिपार्टमेंट ये जो इजलास मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से इनेकाद इसका अमल में आया है जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह
मुजाहिद थे, मुफस्सिर थे, वहीं आप एक मुदब्बिर सियासतदान भी थे। तारीख में मौजूद है कि आपके कई मशवरों पर महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने अमल किया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हम सब के लिए, बिलखसूस दौर हाजिर के उलमा के लिए एक नमूना है। हजरत ने उलमा को यह पैगाम दिया है कि आलिम का काम सिर्फ मस्जिद का मुसल्ला और मिंबर और मेहराब ही संभालना नहीं होता, बल्कि कौम व मिल्लत को संभालना, सुधारना, उनकी इस्लाह करना और सियासत को शरीयत के लिबादे में लाना, ये भी एक आलिम दीन की जिम्मेदारी होती है। हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी में इसकी जद्दोजहद फरमाई और इस पर अमल फरमाया और दूसरों को भी इसकी तरगीब दी। और मौलाना ने यह पैगाम दिया कि उलमा की ये भी एक अहम जिम्मेदारी है कि वह सियासत के मैदान में कदम रखे। दौरे हाजिर के ये हालात इस बात का तकाजा कर रहे हैं। आज के इस स्टेज से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि हजरत उलमा किराम, जहां वो मनसब इमामत के अहम ओहदे पर फाइज हैं, बेशक इससे बड़ा कोई ओहदा और मकाम, कोई मनसब हो ही नहीं सकता, लेकिन आज जरूरत है कौम व मिल्लत को, मुल्क को, कि उलमा इनकी रहनुमाई करें। उलमा किराम शरई हदूद में रहते हुए सियासत के मैदान में कदम रखें और सियासत में हिस्सा लेकर मुल्क और मिल्लत की खिदमत करने की। आज का जो प्रोग्राम हुआ है, इसका मकसद एक तो आज तारीख है इमाम अल हिंद अबुल कलाम आजाद की पैदाइश का, और ये तालीमी दिन भी है हिंदुस्तान का, तो इस एतबार से ये पैगाम देना चाहते थे पूरी मिल्लत को, चाहे वो मुसलमान हो या दूसरी कौमें हो, कि तालीम को फरोग देना चाहिए। इसे कि तालीम एक ऐसी चीज है जिसके जरिए से लोगों के जहनों की तरबियत होती है, जहन साजी होती है। और जैसे कि मैंने इस वक्त में अर्ज किया कि अबुल कलाम आजाद ने जो अपना निजाम तालीम बनाया था, उसमें उन्होंने चार मकासिद को अपने सामने रखा था। एक तो जहनी तरबियत और जहन साजी, और दूसरे ये कि इत्तेहाद और तरक्की, और तीसरे ये है कि मजहबी रवादारी, और चौथे आलमी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना। ये एक बहुत ही ऊंचा और अहम तरीन मकसद है, और आज इस चीज में बहुत कमी होने की वजह से हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ तालीम में कमी है, तो दूसरी तरफ तालीम का जो निजाम और निसाब चल रहा है या चलाने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर से इन चीजों को निकाल दिया गया है, जिससे प्रोग्राम भी किया गया है। परसों मैंने एक टीवी वाले को ये इंटरव्यू भी दिया था कि अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की तालीम से जुड़े हुए जो निस्बत है आपकी, आप ये फरमाया करते थे कि पढ़ लो, फिर पढ़ने के बाद ये होगा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इंशाअल्लाह जब हम तालीम पे गौर करेंगे तो फिर तरबियत भी होगी और हमारा आइंदा फ्यूचर और नस्ल बहुत अच्छा होगा, और कोई ऐसा नहीं होगा जो आपको और हमको हुकूमत के ऐवानों से या गैर जिम्मेदारी तरह से आपको और हमें हमारे ईमान को लूटे या हमारे अमल को लूटे, ऐसा नहीं हो सकता। ये इल्म की बुनियाद पर इंशाअल्लाह हम जागेंगे और पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन करेंगे, और सबसे पहले मुल्क व मिल्लत की इंशाअल्लाह निगरबानी करेंगे, और पूरी उम्मत की देख रेख करते हुए इंशाअल्लाह हुकूमत को बता देंगे कि हर घर में, हर फर्द में ऐसे अफराद हैं जो कोई माई का लाल इंशाअल्लाह आप नहीं दिखा सकता। हम पढ़ेंगे भी, पढ़ाएंगे भी, उसके लिए अपनी जान भी अगर देना हो तो देने के लिए तैयार है। तालीम का मामला आया है, वहाँ कल फरामोश नहीं किया गया, बल्कि टीपू सुल्तान जयंती जो है हम लोग मनाए भी, किए भी, और वहाँ भी यही पैगाम दिया गया। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह अक्सर कहा करते थे कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी और शेर की 1 दिन के घंटे की जिंदगी बराबर होती है, तो कई सालों से नहीं, कई महीनों से नहीं, बरसों से हम कहते हुए आए हैं और उनकी जयंती मनाते हुए आए हैं, और यह मनाए, लेकिन आखिरी में आज यही मनाना था कि योम तालीम हर घर में, हर फर्द में कैसे तालीम पहुंचे, उसके लिए एक फिक्र हुई, एक प्रोग्राम हुआ। भाई शहीद साहब ने दुआएं की, तबीयत खराब थी, बावजूद